तो हेलो गाइज, कैसे सभी लोग। तो गाइज, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप क्लैश ऑफ क्लैन को खेल सकते हो। मतलब खेल तो हर को सकता है, बट मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि इस गेम को अपन कैसे खेलें, गेम में क्या करना होता है, गेम कैसे चलेगा, भाई सब कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूँ हर एक फंक्शन को। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि स्किप करने के बाद आपको आगे का वीडियो समझ में नहीं आने वाला। और इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि और जितने भी वीडियो इस टॉपिक पर सबके सब पुराने हो चुके हैं। तो अब वीडियो को स्टार्ट करने के टाइम, तो लेट्स सी द वीडियो को स्टार्ट। तो फाइनली गाइस, अपना गेम हो चुका स्टार्ट और गाइस अपन बेसिक से शुरुआत करने वाले हैं। तो शुरू में आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है, तो ये जो बॉलर है अपन को वैसे ही करना पड़ेगा। और बीच बीच में आपको पूरा भाई गेम एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी हमने यहाँ पर परचेज किया है ये तोप, और ये तोप क्या करते हैं कि जो भी बंदा आपके जो घर के अंदर अटैक करने आएगा, माल को लूटने आएगा, तब ये उसको मारने में काम आएगी। अभी देखो यहाँ पर गुंडे आ चुके हैं, और जैसे गुंडे आ चुके अपनी तोप ने उनको मारना स्टार्ट कर दिया। अभी गुंडे क्यों आए, इन्होंने अटैक क्यों किया, तो वो भी मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ, अभी बताने वाला हूँ। तो गाइस अभी अपन अटैक जीत चुके हैं, तो अभी आप देख रहे हो अपन एक अटैक करने जा रहे हैं। और इस भाई साहब के पास भी एक ऐसी तोप होती है, इसको कैनन बोलते हैं। तो सबसे पहले गाइस अपन को इस कैनन को खत्म करना पड़ेगा। तो मैंने एक ट्रूप यहाँ पर छोड़ दिया और दो ट्रूप मैंने इसको पीछे की तरफ छोड़ दिया, क्योंकि मेरे को पता है वो बंदा इसको मार देगा। तो फाइनली गाइस अपन ये अटैक जीत चुके हैं। और गाइस अभी अटैक अपन क्यों किया हम लोगों ने, तो गाइस हमने इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पर 500 अपन को गोल्ड मिलता है, 500 पानी मिलता है, तो आपका पूरा बेस गोल्ड और पानी पर चलने वाला है। और अभी आप देख सकते हो मेरे पास भी 1000 गोल्ड है, और देखो यहाँ पर 1000 गोल्ड है गाइस। और ये 1000 गोल्ड कहाँ रखा हुआ है, तो इस घर के अंदर अपना 1000 पानी और 1000 सोना दोनों रखा हुआ है, तो ये घर कितना इंपॉर्टेंट होता है। और गाइस यहाँ पर देखो मैक्सिमम 1000, तो मैक्सिमम हम लोग 1000 पानी और 1000 सोने को रख सकते हैं, तो अपना पूरा घर भर चुका अभी। और यहाँ पर देखो प्रोडक्शन पर हावर 200, तो हम लोग एक घंटे में 200 गोल्ड को यहाँ पर पैदा करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ पर ये गोल्ड माइन से हम लोग 200 गोल्ड एक घंटे में निकाल देते हैं, तो इसको 200 यहाँ पर प्रोडक्शन अपना पर हावर में ही हो रहा है। तो अपना पूरा बेस गाइस यहाँ पर गोल्ड और एलेक्जर से चलता है। एलेक्जर मतलब ये ब्लू वाटर, ठीक है, इसको बोलते हैं। तो गाइज अभी अपन यहाँ पर परचेज करने वाले ये बिल्डर हट, इसके अंदर एक बंदा रहता है और जो अपने बेस को पूरा अपग्रेड करता है, तो ये अपन इसको परचेज करते हैं। तो ये अभी अपना हो चुका है। और अभी गाइज अपन दोबारा इस शॉप वाले बटन पर क्लिक करेंगे और इससे अपन काफी आइटम परचेज कर सकते हैं। तो चलो करते हैं, यहाँ पर अपन करेंगे एलेक्जर कलेक्टर। अब ये क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर अपना गोल्ड माइन है ना, वैसे ये पानी बनाती है, पानी प्रोडक्शन करती है, तो ये अपन इसको ले लिया। जिस तरीके से गोल्ड माइन है वैसे ये एलेक्जर माइन भी होती है। और अभी ये एलेक्जर स्टोरेज, मैं आपको पहले बता रहा हूँ यहाँ पर पानी को एलेक्जर बोला जाता है, तो यहाँ पर मैंने एलेक्जर स्टोरेज को परचेज कर लिया। और गाइज इसके अंदर पानी रखा जाता है, और सारा पानी हम लोग टाउन हॉल के अंदर नहीं रख सकते, तो इसलिए काफी सारा पानी अपन बाहर रखते हैं इन एलेक्जर स्टोरेज के अंदर। ठीक वैसे ही गाइज एक गोल्ड स्टोरेज भी होते हैं जिसके अंदर अपन सोना रख सकते हैं। तो अभी अपने पास 1000 सोना रखने की क्षमता थी, बट अभी इसको रखने के बाद अपन 2500 से ज्यादा सोना नहीं रख सकते, अपना यहाँ पर लिमिट बढ़ जाएगा। अभी आप देख सकते हो ना, तो गोल्ड अभी अपने पास 2050 आ भी चुका है, तो मैक्सिमम 2500 अपन गोल्ड रख सकते हैं, सोना अपन रख सकते हैं, तो ये अपना लिमिट बढ़ चुका अभी। और गज इन चीजों को परचेज करने के लिए अपन को गोल्ड और एलेक्जर दोनों चाहिए। तो अभी गज हम लोग यहाँ पर ब्रेक्स को खरीद रहे हैं। अभी ब्रेक्स क्या होता है, हम लोग खुद का आर्मी बना सकते हैं, फिर अपन दूसरे के क्षेत्र में अटैक कर सकते हैं, और अपन काफी सारा गोल्ड और एलेक्जर को लूट सकते हैं। तो यही चलता है इस गेम के अंदर। तो ब्रेक्स पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर अपन गज इस बंदे को बना सकते हैं, ठीक है, मतलब बोले इस बंदे ये करेक्टर ये भाई आर्मी है, ठीक है, इसको अपन बनाएंगे। और ये एक का स्पेस लेता है, तो शुरू में आपको 20 का स्पेस मिलता है, और ये एक बंदा एक स्पेस लेता है, तो अपन ऐसे 20 करेक्टर ले जा सकते हैं। तो 20 की आर्मी रेडी हो चुके है। और अभी गाइज अगर आप आर्मी को कम्प्लीट करना चाहते हो तो आपको 2 मिनट का टाइम लगेगा, बट अगर आप जल्दी करना चाहते हो तो आपको एक जेम्स यहाँ पर फूकना पड़ेगा। ये एक डायमंड होता है, वैसे जेम्स होता है, तो एक जेम्स मैंने यहाँ पर लगा दिया काफी जल्दी, भाई 1 सेकंड के अंदर ही आर्मी रेडी हो चुकी है। और इस अटैक पर क्लिक करके गाइज अपन अटैक कर सकते हैं, तो अपन जल्दी से अटैक करते हैं। आपको मल्टीप्लेयर में वैसे अटैक करना, बट अभी अपना ऑप्शन खुला नहीं है, तो अभी ऑफलाइन अटैक कर रहे हैं। और गाइज यहाँ पर आप देखो ना, तो ये एक आर्चर टावर है, ये आपके बंदे को मारेगा, देखो ये मार रहे हैं ना, तो ये आपके बंदे को मारेगा, बट अपने पास काफी सारे ट्रूप है, तो अपन आराम से इसको छोड़ेंगे ऐसे देखो, और ये अपन ऐसे छोड़ेंगे, अभी इसको मारेंगे, 3 ही अपन को तोड़ना है, तो 3 अपन तोड़ेंगे। ये पहला टूट गया, दूसरा अपन ने तोड़ दिया, और तीसरा भी अपन ने तोड़ दिया, तो ये अटैक अपन ने आराम से विन कर लिया। और अभी हम लोगों ने 500 एलेक्जर लूटा है, 500 गोल्ड यहाँ पर अपन ने लूट लिया। तो फाइनली गाइज ये अपने यहाँ पर आ चुका और अपना पूरा स्टोरेज भर चुका। तो गाइज अगले वीडियो के 2 मिनट में आप पूरा गेम समझने वाले हो, ठीक है, तो अगले 2 मिनट काफी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को यहाँ से स्किप मत करना। तो गाइज इसको बोलते हैं बैरक्स, इससे आप आर्मी को रेडी कर सकते हो, और इसको बोलते हैं आर्मी कैप, इसमें आपकी आर्मी रहेगी। और अभी आप 20 का आर्मी बना सकते हो, मतलब आप 20 आर्मी रख सकते हो, बना सकते हो, ले जा सकते हो युद्ध के लिए। और ये एक बंदा एक का स्पेस खाता, मतलब अपन ऐसे 20 करेक्टर ले जा सकते हैं आर्मी युद्ध के लिए, ठीक है, तो अपन यहाँ पर रेडी कर लेते हैं। और आप 2 टाइम का आर्मी बना सकते हो एक साथ, ठीक है, अभी आप 40 का स्पेस दिखा रहा है, बट अपन यहाँ पर 20 ही आर्मी ले जा सकते हैं,
तो आप दो टाइम का आर्मी बना सकते हो, ठीक है। तो गाइस आप समझ चुके हो, और गाइस अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हो ना यहाँ पर, तो भी आप आर्मी यहाँ से बना सकते हो। बात एक ही है, चाहे आप ब्रेक्स पर क्लिक करो या फिर इधर क्लिक करो, यहाँ पर आप ब्रेक्स को अपग्रेड करोगे तो आप नया करेक्टर खोल सकते हो। तो गाइस ये 500 एलेक्जर में ये अपग्रेड हो जाएगा, तो उसको अपन करते हो और यहाँ पर मैंने कर दिया। और अभी गाइस अपने पास दो बिल्डर काम करने के लिए, जिसमें एक बिल्डर अपना ये अपग्रेड करा। तो बिल्डर आप समझ चुके कहाँ पर क्या काम आता है। तो अपना एक बिल्डर बिजी हो चुका है और ये दोनों इसके घर है बिल्डर के, आप देख सकते हो इधर। और गाइस अगर आप नया बिल्डर परचेज करना चाहते हो तो आपको ये 500 जेम्स के अंदर आपका नया बिल्डर अगला खुलने वाला है, और मैक्सिमम आप 5 बिल्डर ले सकते हो। तो आप बिल्डर का आप काम समझ चुके कहां कहां बिल्डर काम आता है, और इसलिए गाइस आप जेम्स को फूकना मत इतनी जल्दी। और अभी मेरा सेकंड वाला करेक्टर भी ओपन हो चुका है, आप यहाँ पर जाके देख भी सकते हो। गाइस देखो ये अपने अभी ओपन कर दिया। तो गाइस अगर हम लोग इस बैरक्स को और अपग्रेड करेंगे तो अपना तीसरा वाला करेक्टर ओपन हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो अपग्रेड करने का कितना फायदा होता है। और ऐसे अपन आर्मी कैंप को अपग्रेड करेंगे तो अपना फायदा होगा। अभी अपन 20 का आर्मी एक साथ ले जा सकते हैं युद्ध के अंदर, बट अभी जैसे अपन इसको अपग्रेड कर देंगे तो अपन गाइस 30 का आर्मी एक साथ ले जा सकते हैं। तो गाइस ये 2000 एलेक्जर के अंदर हुआ था और अपना पूरा एलेक्जर खत्म हो चुका है, और अभी अपन 30 का आर्मी यहाँ पर ले जा सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आप समझ चुके हो अपग्रेड करने का कितना फायदा होता है। तो आप हर चीज को पहले अपग्रेड करो, ठीक है। आप जितना हो सके उतना अपग्रेड करो, उसके लिए आपको एलेक्जर और गोल्ड चाहिए, उसके लिए आप अटैक करो। तो गाइस अभी आप देख सकते हो अपने पास एक लेवल की कैनन है, और गाइस अगर हम लोग इसको अपग्रेड कर देते हैं तो यहाँ पर इसका डैमेज बढ़ जाएगा और यहाँ पर इसका हेल्थ काफी बढ़ जाएगा, और ये 2 मिनट का टाइम लेगा। तो जितने भी लोग अपने क्षेत्र में अटैक करने आएंगे ना, तो वो इजीली मारे जाएंगे और अपना सोना भाई चोरी होने से बच जाएगा, तो अपन अटैक जीत जाएंगे। तो इसलिए अपन अपग्रेड करते इन चीजों को भी। तो हर एक चीज को पहले अपन अपग्रेड करेंगे ना, फिर अपन क्या बोलते हैं टाउन हॉल को आखिर में अपग्रेड करेंगे। अभी आप देखो यहाँ पर 200 अपन पर हावर प्रोडक्शन कर रहे हैं एलेक्जर को, और ये है एलेक्जर बनाने वाली मशीन, और हम लोग इसको अपग्रेड कर देंगे। तो अभी देखो अपन कितना भाई पर हावर में कितना कर सकते हैं। तो मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ अभी, और मैंने इसको कंप्लीट कर भी दिया, और अभी देखो 400 का हो रहा पर हावर में। तो कितनी जल्दी अपना एलेक्जर और बन रहा है, और हम लोगों को फायदा भी हो रहा है। और ऐसे ही गाइस अगर हम लोग गोल्ड स्टोरेज को अपग्रेड करेंगे और, तो भाई अपना जो गोल्ड रखने का जगह ना वो बढ़ जाएगा। अभी 4000 है तो अपन 5500 तक रख सकते हैं अगर आप इसको अपग्रेड कर देंगे। तो आप समझ चुके हो सबसे पहले गाइस जब सारी चीजों को अपग्रेड करो अपने बेस के आसपास, फिर गाइस आखिर में आप अपना बेस का टाउन हॉल को अपग्रेड कर दो, यही आपका शुरू में से गेम चलेगा, ठीक है। आपको ऐसे ही करना है। और गाइस आप शॉप के अंदर जाकर यहाँ पर आइटम को परचेज कर सकते हो। तो अभी आपका टाउन हॉल लेवल 2 का, तो मतलब यहाँ पर दिखा रहा आप उतना ही परचेज कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल गाइस अपन यहाँ पर दीवार को भी यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर दीवार को परचेज कर लिया, और इस दीवार को अपन टाउन हॉल के आसपास लगवा देंगे ताकि दुश्मन को अटैक करने में प्रॉब्लम हो। और गाइस आप दीवार को भी अपग्रेड कर सकते हो। तो अभी आपका टाउन हॉल लेवल 2 का है, तो आप दीवार को भी 2 लेवल तक ही अपग्रेड कर सकते हो, और हर एक आइटम को 2-3 लेवल तक ही अपग्रेड कर सकते हो शुरू में, और फिर आपकी सारी चीज मैक्स हो जाएगी। फिर गाइस आप आखिर में टाउन हॉल को अपग्रेड कर देना। तो आप समझ चुके हो गाइस आपको कैसे करना है। और अभी गाइस अपन अटैक करने चलते हैं। तो पहले गाइस आप अटैक पर क्लिक करो, ठीक है। तो मैंने कर दिया, और यहाँ पर आपको मल्टीप्लेयर पे ये वाला सिलेक्ट करना, फिर आपको 10 का यहाँ पर सिलेक्ट करके इसको ओके कर देना, और अभी आप अटैक करते चलते हैं। तो पहले वाला बेस के अंदर गाइस अपने को यहाँ पर लूट देखो कितना कम मिल रहा है, और ये छोटा सा बेस अपन डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, बट लूट कम है तो स्किप कर दो, और इसमें भी लूट कम है तो यहाँ पर अपन क्लिक करके स्किप कर सकते हैं। तो ये अपना हो चुका है, और इस भाई साहब में भी लूट कम है, इसमें लूट कम है ना उसको स्किप कर दिया अगर आप, तो मैं इसको स्किप करने जा रहा हूँ। तो ये वाला गाइस देखो इसके अंदर काफी अच्छी लूट है, और सबसे पहले आप देखो ना यहाँ पर अपन को कौन कौन मार सकता है। तो एक तो ये टावर है, 2 ये तोप है। तो पहले गाइस हम लोगों को इन 3 चीजों को मारना होगा, फिर अपन को बाकी के बेस पर अटैक करना होगा, आप समझ चुके। तो पहले मैं काफी सारे ये अपने बैरबारियन को इधर छोड़ देता हूँ ताकि टावर को खत्म कर दे। दूसरी साइड अपन यहाँ पर तोप के पास भी छोड़ देते हैं, और अपना पहला टावर कंप्लीट हो चुका है, इसको अपने तोड़ दिया, और इसको भी अपन तोड़ देंगे, दूसरी वाली तोप को तोड़ दिया। और अभी गाइस अपने भाई जो ये ट्रूप है वो घुस चुके इसको तोड़ने के लिए, और एक बंदूक अभी भी अपना हमला कर रही है देखो, बट कोई बात नहीं उसको अपन जल्दी खत्म कर देंगे। इसे अगर ये दोनों तोप और एक टावर को बीच में रखते तो शायद ये लोग जीत जाते, बट अपन 30 का आर्मी लेकर आए थे, अगर 20 का लेकर आते तो अपन हार जाते। तो गाइस देख कर अटैक किया करो, और आप देख सकते हो ना ऐसे आपको डिस्ट्रॉयड करना हर एक विलेज को, ठीक है। आप यहाँ पे काफी सारा अर्न कर सकते हो, देखो यहाँ पे मैंने 1000 एलेक्जर अभी लूटा, तो अभी गाइस ये डिस्ट्रॉयड हो रहा है, और अभी देखो ना अपन ने इसको तोड़ दिया। और एक स्टार आपको मिलता 50% डिस्ट्रॉयड करने पर, दूसरा स्टार आपको मिलता है टाउन हॉल को डिस्ट्रॉयड करने पर, और तीसरा स्टार आपको मिलता है 100% डिस्ट्रॉयड करने पर। इस तरीके से आपके 3 स्टार यहाँ पर होते हैं, आपको मिलते हैं, और देखो तीसरा स्टार अपने को मिल चुका। और ये देखो यहाँ पर सारा लूट हम लोगों ने लूट लिया, ट्रॉफी भी लूट लिया, और ये लूट अपने पास आ जाएगा, और इससे अपन अपना बेस अपग्रेड करेंगे। तो गाइस आज के लिए इतने, और वीडियो से वीडियो को लाइक, और अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।